बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो सीरिक्स बायोलॉजी। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड। ये एक हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है जो कि सेल के अंदर पाई जाती है। स्पेसिफिकली अगर बात करूं तो जितने भी हमारे पास यूकैरियोटिक सेल है उनके अंदर ये आपको ऑर्गेनल देखने को मिल जाएगी। अब ये ऑर्गेनल है क्या, वो कहते हैं कि दैट इज अ नेटवर्क व्हिच इज कंटीन्यूअस विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम वन एंड एंड आल्सो अपीयर टू बी इन कांटेक्ट विद द न्यूक्लियर एनवेलप। तो जनरली जब कभी हम देखते हैं एक सेल को तो सेल के अंदर न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और बाहर क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसके अंदर बकायदा जो है हमारे पास नेटवर्क ऑफ आपके पास क्या चैनल्स की शक्ल में मौजूद होती है एक ऑर्गेनल जो के थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म कनेक्ट करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी जो न्यूक्लियस के गिर्द आपके पास मेम्ब्रेन मौजूद होती है। अब वो कहते हैं कि अगर इसके स्ट्रक्चर को जानना चाहते हैं तो पहली बात ये क्योंकि सेलुलर एंटिटी है, एक ऑर्गेनल है, सेल का साइज अपना छोटा होता है, उससे भी छोटे साइज में हमारे पास ऑर्गेनल होंगी, दैट मीन्स उसके लिए हमें एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। तो वो कहते हैं दे आर विजिबल अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, नेटवर्क ऑफ चैनल्स विच आर एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। तो मैंने जिस तरह की आपको बताया कि ये पूरे साइटोप्लाज्म में फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक ये फैला हुआ एक चैनल है, नेटवर्क है। अब इसके जो अपेयरेंस है वो कहते हैं कि दे वेरी इन अपेयरेंस विद रिस्पेक्ट टू हम कहेंगे सेल, यानी सेल टू सेल जो है इसकी अपेयरेंस वेरी कर सकती है, यानी एक जैसी बिल्कुल भी इसकी हैयत या स्ट्रक्चर नहीं होता। चैनल्स आर फिल्ड विद मटीरियल, जो चैनल्स होते हैं वो बकायदा तौर पे मटीरियल उसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ मटीरियल फिल्ड हुए होते हैं। वो कौन से टाइप ऑफ मटीरियल है, ये वही टाइप ऑफ मटीरियल होंगे जिनको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्या लेके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करने ट्रांसपोर्ट किया जाना है सेल के अंदर डिफरेंट एरियाज में, समटाइम्स आउट ऑफ द आउटसाइड ऑफ द सेल भी किया जाता है। फिर वो कहता है कि दीज चैनल्स आर सेपरेटेड बाय द ट्यूबुलर और स्फेरिकल मेम्ब्रेन, जो हमें ये बाहर नजर आती है वो इसकी सिस्टर नहीं है, यानी ये जो आपको मेम्ब्रेन्स मिल जाएंगी। जनरल फंक्शनिंग की बात की जाए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दे प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट से मुराद ये है कि सेल के स्ट्रक्चर को भी मेंटेन रखने में मदद करते हैं और किसी भी किस्म के जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उससे भी सेल की शेप को बचाते हैं और कई किस्म के कह लें कि प्रॉब्लम से भी उसके अंदर क्या ये अपना अहम किरदार अदा करते हैं। नंबर टू पे हमारे पास दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, क्योंकि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान मौजूद हैं तो डिफरेंट काइंड ऑफ जो मटीरियल है उनको भी ट्रांसपोर्ट करने में अपना किरदार अदा करेंगे। अब फॉर्म्स की अगर बात की जाए तो हमारे पास दो इसकी शक्लें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की और वो बेसिकली राइबोसोम की प्रेजेंस और एब्सेंस की बुनियाद पर है। वो कहता है कि एक को हम नाम देंगे RER और एक को हम नाम देंगे SER। RER स्टैंड फॉर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड SER स्टैंड फॉर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ का मतलब ये हुआ कि दे आर रफ इन अपेयरेंस, तो वो रफ इन अपेयरेंस की है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम ऑन इट्स सर्फेस। तो उसकी सर्फेस पे आपको क्या एक ऑर्गेनल मिल जाती है जो कि राइबोसोम है, जो कि एक ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है जिसकी बुनियाद पर हमारे पास क्या है उसकी रफ अपेयरेंस आ रही है। दूसरी तरफ अगर स्मूथ की बात की जाए तो स्मूथ जो है दैट इज स्मूथ इन अपेयरेंस, नाम से जाहिर है, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर किसी किस्म का कोई राइबोसोम मौजूद नहीं होगा। अब फंक्शन के लिहाज से डिफरेंस देखें तो हमारे पास RER का बेसिक एक ही फंक्शन है, दूसरा जो वो जनरल फंक्शनिंग में आ जाएगा। वो कहता है कि दे हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, क्योंकि उसके अंदर राइबोसोम होती है तो दैट्स व्हाई वो प्रोटीन सिंथेसिस में अपना किरदार अदा करता है। सेकेंडली जब प्रोटीन बन जाती है, प्रोटीन को स्टोर किया जाता है साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म में उसको स्टोर करने का मकसद क्या है, ताकि उसको हम ट्रांसपोर्ट कर सके, एक्सपोर्ट कर सके आउटसाइड ऑफ द सेल थ्रू द चैनल। तो वो चैनल्स के थ्रू जो है हम उसको सेल से बाहर किसी भी दूसरे एरिया तक पहुंचाने में भी क्या है अपना किरदार अदा करेगा। ये SER के फंक्शन की बात की जाए तो सबसे पहली बात जो सेल के अंदर मौजूद लिपिड्स होते हैं, फैट्स हैं, उनको मेटाबोलाइज करता है। नंबर टू पे कोई अगर हार्मफुल ड्रग्स वगैरह हमारी बॉडी में मौजूद है तो उनको डिटॉक्सिफाई यानी उनकी टॉक्सिसिटी को खत्म करने में हेल्प करता है। तीसरे नंबर पे ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स है। अब ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स में हम जब डिस्कस करते हैं खासतौर पर स्केलेटल मसल्स को,
तो उसमें देखा गया है कि वो बकायदा तौर पे वहां पे न्यूरो मस्कुलर जंक्शन के नजदीक जो है ये जब इम्पल्स पहुंचती है तो वहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो है एक टर्म हम यूज करते हैं वहां पे ऑर्गेनल के लिए, दैट इज सारकोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक्ट एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बट वो मसल सेल से क्योंकि रिलेट करती है तो उसको हम स्पेसिफिकली सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं। तो वहां पे ये ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स में अपना किरदार अदा करती है। और पांचवें नंबर पे हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल है, लाइक जैसा कि यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। प्रोटीन कोई एक शक्ल में नहीं बन रही, एंजाइम भी बना सकती है, हार्मोन भी बना सकती है, अदर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स में भी ये क्या है अपना किरदार अदा करती है। तो उसकी भी ट्रांसपोर्टेशन का जो जिम्मा उठाया हुआ है वो SCR ने उठाया हुआ, ताकि वो विद इन द सेल या आउटसाइड द सेल जहां पे भी पहुंचाना है वो इजीली उसको ट्रांसपोर्ट कर सके। तो ये आज की हमारी डिस्कशन थी रिलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड। तो इंशाल्लाह होती है मुलाकात आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।